बहन जी बनेगी क्या कहेंगे साहब? बहन जी बनेगी प्रधानमंत्री सड़कें बहन जी के द्वारा बनी। ये तो कह रहे हैं मोदी ने बनवाई है प्लेन। कौन कह रहा है मोदी ने? आपने तो कहा प्लेन बनी पड़ी है सारी। नहीं अरे आप हमारे सांसदों ने बनवाई है। और भी गांव में माहौल उनसे पूछ लेते हैं। हाँ जी क्या कहना वाले? मैं कुछ नहीं कह रहा ये मतलब ये बीजेपी वाले समझ लीजिए आप मोदी जी को लाने वाले बीजेपी वाला ये बीजेपी वाले हैं। आप समझ लीजिए कि ट्रक के अंदर अगर ये वोट और समीकरण की बात करते हैं और यहाँ पे गिनती गिनने की बात करूँ तीन ये लोग हो गए तीन ये लोग हो गए नौ लोग हो गए। नौ लोग में उत्तर प्रदेश के हालात ये हैं कि 1% वोट जाने वाला है बीजेपी को और तमाम वोट कहाँ जाने वाला है कैमरामैन जरा? बीएसपी को पक्की बात है? बीएसपी को अगर वो हजार हजार रुपए देंगे तो चलेगा? हमें पैसा नहीं लेना। बिकने दौड़ाई है बिकने दौड़ाई है हम क्या बात कर बिकने वाले नहीं है हम बिकने वाले हैं क्या बिकने वाले अंदर की बात ये बता रहे हैं कि दारू की बोतल भी मिलने वाली है। नहीं नहीं कुछ नहीं आप बात करो आप ना सुनो हाँ। हम आपको पैसे देते हैं। अच्छा नहीं हमें नहीं चाहिए हम पीते नहीं है साहब। हाँ। पीते नहीं हो हाँ। लेकिन हम आपको पैसे दे रहे हैं। अच्छा कैंडिडेट को पैसे दे देंगे हम। कैंडिडेट को आप पैसे देंगे हाँ। जिताने के लिए? हाँ जी आप समझिए कि कैंडिडेट तक को पैसा देने वाले हैं यहाँ पे यानी कि जो बोलते हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के पास इतना पैसा कहाँ से आया तो आप समझ लीजिए कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का ये पैसा है जो आपको ट्रैक्टर ट्रॉली में नजर आता है। लग रहा है कौन सी सरकार ज्यादा मजबूत लगती है आपको? तो यही लग रही हाथी वाली। हाथी वाली हाँ। और वो साइकिल वाली? साइकिल वाली में क्या है? साइकिल वाली में हाँ नहीं सह कुछ नहीं। समाजवादी हैं समाज की बात करते हैं मंदिरों का निर्माण की भी बात करते हैं मोदी से भी उनके बहुत नज़दीकी ताल्लुकात हैं। ताल्लुकात हैं हाँ। वाकई में हैं हाँ। तो इतनी सारी बात कर इतने बात का कहाँ लो ध्यान रखेंगे कहाँ लो रखेंगे इतनी बात का ध्यान। तो क्या लग रहा है कौन मजबूत है यहाँ से? हाथी है। हाथी मजबूत है। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत देर से मैं पूछता इनसे हूँ आप कुछ बोल देते हैं बताइए। बस और कुछ नहीं हाथी के अलावा कुछ नहीं। नमस्कार मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। गांव चौपाल के यहां पे लोग चल रहे हैं और यहां पे हम लोग जानेंगे क्या नाम है साहब आपका? एक मिनट गाड़ी बंद कर लीजिए जी ड्राइवर साहब एक मिनट गाड़ी बंद कर लीजिए। कोई बात नहीं बाद में चालू कर लीजिएगा। क्या नाम है साहब आपका? मेरा सीताराम। सीताराम कहाँ से आए हैं कहाँ जा रहे हैं? इसको ब्रेक मार लीजिए हैंडल ग्रे पे। धर्मनगरी से धर्मनगरी। ये कहाँ पर है? ये बिजनौर के पास में है। बिजनौर के पास में। क्या लग रहा है आप तो सारी जगह ट्रैक्टर चला दें तो क्या गांव के माहौल क्या लग रहे हैं आपको? किसकी सरकार आने वाली है? हमारी जो है वही सरकार आनी चाहिए। कौन सी सरकार आएगी? मायावती की। मायावती क्या करने वाली है? अभी जो कुछ भी कराए तो ऊपर वाले। आप समझिए गांव के ये ट्रैक्टर हैं संचालक हैं यहाँ पे और भी सारे साथी हैं ट्रैक्टर के अंदर बहुत सारे साथी बैठे हुए हैं। क्या कोई शादी बारात से आ रहे हैं क्या साहब? यहाँ प्रोग्राम था। अच्छा प्रोग्राम था। आप देखेंगे ये गांव देहात के लोग हैं और अपने शादी ब्याहों को ट्रैक्टर भी के इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा लग्जरी गाड़ियाँ नहीं हैं इनके पास तो ट्रैक्टर के अंदर सब लोग बैठते हैं और चल पड़ते हैं। आप लोग किसी शादी ब्याह से आ रहे हैं? हाँ अभी हमारी ना जी बेटी का लगन रिश्ता था। अच्छा पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी बेटी और वर वधू दोनों बहुत जी, खुश रहें जी, जी। क्या लग रहा है कहाँ से आए हैं आप लोग? आप धर्मनगरी से। अब ये बताइए आप अभी जो चुनाव आने वाले हैं तो क्या लग रहा है माहौल यहाँ पे किसकी सरकार बनती दिख रही है आपको? सरकार तो हम दीजिए हाँ बीएसपी की सरकार लग रही है हमें क्योंकि लेकिन बता रहे हैं कि गठबंधन ज़्यादा मजबूत है यहाँ पे। नहीं गठबंधन में कुछ नहीं है अभी हाँ। अभी सुनो आपसे पूछे रुक जाइए हाँ। एक मिनट सुन ले करो यार अभी गठबंधन में कुछ नहीं है। अच्छा। क्योंकि इस गठबंधन में ना हमें दिखाई दे रहा है कि एक का टिकट इधर से काट दिया एक का उधर से काट दिया कि सब सब मजबूत इस समय बीएसपी है। बीएसपी कैसे मजबूत है हैं बताऊँ आप सब? आप सब बताऊँ? हाँ बिल्कुल। क्यों ये विजेंदर खड़े हुए हैं जाट हैं ठीक है मतलब आपको लगता है कि बहन जी ने जो है वो जातीय समीकरण के आधार पे मजबूत उम्मीदवारों को टिकट दिया आप ये हाँ, कहना चाहते हैं? हाँ 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 जो यहाँ से विजेंद्र जी लड़ रहे हैं हाँ, यही कहना चाहते हाँ, हैं हाँ हाँ जी। और भी साथी हैं उनका भी हम लोग ओपिनियन लेंगे। साहब क्या नाम है आपका पहले नाम बताइए? अमर सिंह। अमर सिंह जी क्या लग रहा है माहौल? माहौल ठीक लग रहा। कितनी उम्र है आपकी? 50 साल। 50 साल में तो बहुत सारी सरकारें आती जाती देख ली आपने तो क्या लग रहा है कौन सी सरकार ज़्यादा मजबूत लगती है आपको? यही लग रही हाथी वाली। हाथी वाली और वो साइकिल वाली? साइकिल वाली में क्या है सर? साइकिल वाली में हाँ नहीं सह कुछ नहीं।
समाजवादी हैं, समाज की बात करते हैं, मंदिरों का निर्माण की भी बात करते हैं, मोदी से भी उनके बहुत नज़दीकी ताल्लुकात हैं। ताल्लुकात हैं वाकई में है तो इतनी सारी बात का इतने बात का कहाँ लो ध्यान रखेंगे, कहाँ लो रखेंगे इतनी बात का ध्यान। तो क्या लग रहा है कौन मजबूत है यहाँ से? हाथी है। हाथी मजबूत है। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत देर से मैं पूछता इनसे हूँ, आप कुछ बोल देते हैं, बताइए। बस और कुछ नहीं, हाथी के अलावा कुछ नहीं। हाथी के अलावा क्यों नहीं है? अब घर घर मोदी जा रहे हैं इस वक्त। अरे घर घर मोदी जा रहे तो क्या दिक्कत आ रही? सारे लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं नून रोटी खाएंगे, मोदी को जिताएंगे। हाँ बस मोदी मोदी क्या करेगा इसमें? क्यों 5 किलो राशन आपके घर में जा रहा है, फ्री में मिल रहा है, तेल फ्री में मिल रहा है। अच्छा तो अपने आप आई ना अपने घर से दे रहा, गवर्नमेंट का दे रहा? गवर्नमेंट का ही तो है वो। बहन जी ने तो 5 किलो राशन कभी नहीं दिया। बहन जी तो मायावती उसमें इलेक्शन उसमें भी तो कूदी थी हिंदू मुस्लिम में, वो प्रधानमंत्री है। मैडम जीतेगी, मैडम जीतेगी, बहन जी बनेगी। क्या कहेंगे साहब? बहन जी बनेगी प्रधानमंत्री। बहन जी बनेगी प्रधानमंत्री। देखिए यहाँ पे सबके अलग अलग राय हैं, थोड़े थोड़े मिले जुले नजर आ रहे हैं, लेकिन बहन जी की सरकार बनाना जान रहे हैं, बहुत ज्यादा समीकरणों को नहीं जानते हैं, किसका कैंडिडेट होना चाहिए, किस आधार पर होना चाहिए, लेकिन उनको चुनाव चिन्ह एक ही नजर आता है। चुनाव चिन्ह मैं इनसे पूछ लेता हूँ, बहुत सारे चुनाव चिन्ह दौड़ में हैं, लेकिन चुनाव चिन्ह कौन सा जीतने वाला है? चुनाव चिन्ह हाँ हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में पिछली बार भी BSP जीतती थी, अब की बार भी BSP जीतती। अभी मैंने किसी से यहाँ पे इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा कि 20-25 साल में आज तक सड़कें नहीं बनी है, क्या सही बात है ऐसी? ना सड़कें तो कौन नहीं बनी, हमारे तो सड़कें ऐसी प्लेन होंगी। ये तो कह रहे हैं मोदी ने बनवाई है प्लेन। कौन कह रहा है मोदी ने? आपने तो कहा प्लेन बनी पड़ी है सारी। नहीं अरे आप हमारे सांसदों ने बनवाई है, आप कैसे कर रहे हो यार? आप कैसे करो? हमारे विधायकों उन्होंने बनवाई है। ये सांसदों ने? कोई बात नहीं, सांसदों ने बनाई है कोई बात नहीं, और भी गांव में माहौल उनसे पूछ लेते हैं। हाँ जी क्या कहना वाले? ना मैं कुछ नहीं कह रहा ये। मतलब ये BJP वाले समझ लीजिए आप, मोदी जी को लाने वाले वाला ये BJP वाले हैं। आप समझ लीजिए कि ट्रक के अंदर अगर ये वोट और समीकरण की बात करते हैं, और यहाँ पे गिनती गिनने की बात करूँ, 3 ये लोग हो गए 3 ये लोग हो गए 9 लोग हो गए। 9 लोग में उत्तर प्रदेश के हालात ये हैं कि 1% वोट जाने वाला है BJP को, और तमाम वोट कहाँ जाने वाला है कैमरामैन जरा? BSP को पक्की बात है? BSP को अगर वो 1000-1000 रुपए देंगे तो चलेगा? कौन हमें पैसा नहीं लेना? बिकने थोड़ा है, बिकने थोड़ा है हम। क्या बात? बिकने वाले नहीं है हम, बिकने वाले क्या? बिकने वाले अंदर की बात ये बता रहे हैं कि दारू की बोतल भी मिलने वाली है। नहीं नहीं कुछ नहीं। क्या बात करो आप? ना सुनो हम आपको पैसे देते हैं। अच्छा नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, हम पीते नहीं है। सुनो, पीते नहीं हो लेकिन हम आपको पैसे दे रहे हैं। अच्छा कैंडिडेट को पैसे दे देंगे हम? कैंडिडेट को आप पैसे देंगे जिताने के लिए? हाँ जी। आप समझिए कि कैंडिडेट तक को पैसा देने वाले हैं यहाँ पे, यानी कि जो बेलते हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के पास इतना पैसा कहाँ से आया, तो आप समझ लीजिए कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का ये पैसा है जो आपको ट्रैक्टर ट्रॉली में नज़र आता है। इसी के चंदे पे चलती है बहुजन समाज पार्टी, जो आज भी निसंकोच SBI यानी कि जो पैसे के अंदर जो गोलमाल सबसे ज़्यादा दिखा वो कांग्रेस का दिखा, BJP का दिखा, लेकिन BSP के पास कोई पैसा नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के हालातों के जायजा मैंने आपको दिया है, अब आगामी चुनाव बहुत नजदीक हैं, देखते हैं किस करवट बैठेगा हाथी। धन्यवाद। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे, और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है, इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया, आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी,
नागेली वीरांगना की कहानी एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञान दीत छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, ईवी रामास्वामी, स्वामी अछूतानंद, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है, आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट, बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं, कितनी किताब आपको चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।